अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कटिंग सीखेंगे। आज हमने कटिंग अच्छी तरीके से सीख लेनी है, बहुत इजी मेथड है। सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए, हमने सबसे पहले अपने क्लाइंट को आपके अपने शीट पे नानी है, उसके बाद हमने बालों को वेट किया, अच्छे से सुलझाया। कोई गांठ कोई उलझन नहीं रहनी चाहिए और एप्रन ज़रूर पहनाया करें क्लाइंट को। एक तो प्रोफेशनली होता है ये सब कुछ काम, इस तरह से करे तो अच्छा लगता है और जो क्लाइंट के कपड़े वगैरह हैं वो भी ख़राब नहीं होते। सो सबसे पहले हमने वन लेंथ कर लेना है और इन्हें थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए बालों में, ज़्यादा लेंथ इन्हें कम करवानी नहीं थी। सो सबसे पहले मैंने देखे वन लेंथ बाल कर लिए। वन लेंथ सभी समझते होंगे, इतना तो आजकल सबको समझ है कि नीचे से जो है वो मैंने बालों को बराबर कर लिया। और अगर आपको समझ आए तो इस एक कटिंग के साथ मैंने आपको दो मेथड समझाए। अगर आपको अपने बालों की ट्रिमिंग करनी है तो आप इस तरह से देखें, ईजीली स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले सेंटर पार्ट उठाना है, उसे कट कर लेना है ताकि गाइडलाइन आपको मिल जाए। और आपने दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड के पार्ट उठाने हैं और उन्हें कट कर देना है गाइडलाइन के साथ मिला मिला कर। सही है, मैंने ये वाला साइड कट किया और अब मैं ये सेकंड पार्ट से कट कर रही हूँ, लास्ट वाला। जब बाल वन लेंथ हो जाएं और मुतमइन हो जाएं कि हाँ जी इतनी ही लेंथ हमें चाहिए, तो आप अपनी जो कटिंग है वो स्टार्ट कर दोगे। सो मेथड बहुत ईजी है, लेकिन टेक्निक मैंने आपको समझाई है, बहुत ईजी वाली टेक्निक के साथ समझाने की कोशिश की है। बट वॉल्यूम इतना अच्छा आ जाता है बालों में, इतनी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखो, मैंने पोनीटेल की तरह से बालों को कैरी करना है हाथ में, अच्छे से पूरा फुल ऊपर ले जाना है। फुल 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 ऊपर ले जाओ, सुलझाते जाओ बालों को और ऊपर ले जाओ। और जितने बालों की कटिंग वो कह रही हैं, तो इन्हें लेंथ कम नहीं करानी थी, बस इन्हें बाल थोड़े फ्रेश कराने थे। इनके बाल थोड़े से हल्के से फ्रीजी थे, बट बालों का जो टेक्सचर था वो बहुत अच्छा था, रफनेस नहीं थी और बस हल्के फुल्के नीचे से डैमेज थे। तो वो कह रहे थे कि ये क्लीन हो जाए। ओके, इस कट को हम कहते हैं फ्लावर कट। अच्छे से सारा जो है मैंने बालों को कैरी किया, फुल ऊपर लेकर गई और देखें फ्लावर की तरह पूरे बाल चारों तरफ फैलाए। जिस तरह से हम मुट्ठी में कोई चीज़ पकड़ते हैं, इस तरह से मैंने पकड़ के चारों साइड गोलाई से कैंची चलानी और कटिंग कर देना है। बहुत कोई इजी वे से समझाती हूँ, बहुत इजी वे और इजी जबान में बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बट आप लोग ये ना समझा करो कि काम थोड़ा सा हमारा हल्का है। जी नहीं, हमारा टेक्निकली काम होता है, जो प्रोफेशनली हम करते हैं उस तरह से लुक हमारा वही आता है, बट तरीका जो है वो ईजी है। ओके, ये देखो, लुक एट दी वॉल्यूम। ओके, नीचे वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो गया, बट इन्होंने कहा कि थोड़ी सी और ऊपर जो है वो हमें स्टेप्स चाहिए। तो हमने क्या करना है, एयर टू एयर पार्ट उठाना है और उसके बाद उसको भी सेम इसी मेथड के साथ हमने कट करना है। ऊपर ले जाओ, कोनी बनाओ, अच्छे से कॉम करो, बिल्कुल सारे बालों को सुलझा लो, हाथ में पकड़ लो और वही मुट्ठी स्टाइल में पकड़ना। ठीक है, मुट्ठी बंद करके इस तरह से कैरी करना, नीचे लाओ हाथ को और फिर चारों तरफ बालों को फैला दो कॉम से, अच्छे से करके बालों को। ठीक है, देन आप इसको कट कर दो सीजर से और बहुत थोड़े थोड़े से करना। अगर आप चाहो, आपका क्लाइंट चाह रहा है कि छोटे बाल कर दो, तो आप भले से थोड़े ज़्यादा कट कर सकते हो। इन्हें लेंथ कम नहीं करानी थी, इन्हें बस ये वॉल्यूम चाहिए था बालों में और थोड़ा सा फ्रेशनेस करनी थी, तो बस इस तरह से हमने कट करके दिया इन्हें। ठीक है, ये हमने बहुत इजी वे के साथ इतने सारे स्टेप्स बना दिए। और आगे में जो फ्रंट फेस के ऊपर जो कवरिंग करने के लिए मैंने किया है, वो मैंने स्लाइसिंग टेक्निक के साथ किया है। एयर टू एयर पार्ट निकालोगे आप बालों को, उसके बाद सीजर को ऊपर से इस तरह से स्ट्रोक में चलाओगे, मतलब तिरछी तिरछे तरीके से चलाओगे। तो ये देखो, ये हो गई स्लाइसिंग। इसके अंदर बाल ज़्यादा कट नहीं होता, बट ये होता है कि लेयर्स अच्छे बन जाते हैं फ्रंट पे, फेस साइड पे। शुरू में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो डेमो जो आपको दिया है, तो वो आप उसमें देखना। इन्हें बहुत प्यारी लगी थी, ये बहुत मुतमइन हुई थी हमारे काम से। सो हमने इस साइड वाले हिस्से को लेना है और देखो फिंगर मैंने कितने अच्छे से तिरछी करके रखी हुई है। स्लाइसिंग टेक्निक के साथ ही मैंने यहाँ से कट किया और बहुत प्यारी सी लेयर्स आ गई। तो मेरी कटिंग यहाँ डन होती है, तो आप लोग फाइनल लुक देख लो। और यहाँ आपको कलर दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर थे। इंशाल्लाह कलर की और ब्लू ड्रायर की वीडियो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।